नमस्कार दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के ये तीन महिला लवलीना बरगुहाई, मीराबाई सानू और सुशीला सानू, जिनके जीवन में सिर्फ एक्सक्यूज ही होने चाहिए थे, देने के लिए भरपूर बहाना थे, फिर भी इनको पता ही नहीं है कि बहाना क्या होते हैं। इनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसी कहानियां बताने जा रहा हूँ, सुनने के बाद आप क्या बहाना देंगे। एक स्पोर्ट्समैन के अल्टीमेट गोल होते हैं ओलंपिक, जहां पे दुनिया भर की बेस्ट प्लेयर्स को ही मौका दिए जाते हैं, जिसके लिए सालों साल की मेहनत, बेस्ट एकेडमी में शिक्षा, महंगी कोच की अंडर शिक्षा, मतलब हेल्थ एंड वेल्थ दोनों की ज़रूरत है। और इसीलिए हम अच्छे शहर में रहते हुए सारे सुविधाएं मिलने के बावजूद अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में नहीं देते हैं, क्योंकि फ्यूचर जो बनाना है। अब जानते हैं लवलीना बरगुहाई, जो टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या सुविधाएं हैं इनके गांव में। दोस्तों, लवलीना बरगुहाई एक किसान की बेटी, जिस गांव में है उस गांव में आज के तारीख तक पक्की सड़क भी नहीं है जाने के लिए। फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन उतना मजबूत नहीं कि इतनी दूर तक सोचे। ऐसी इंटीरियर गांव से बिलोंग करते हुए 2018-2019 ओमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। फर्स्ट इंडिया ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीते हैं। सेकेंड इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीते हैं। और लवलीना बरगुहाई आसाम के फर्स्ट फीमेल एथलीट और सेकेंड बॉक्सर है जो कि ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया हो। इन 2020 शी बिकेम सिक्स्थ पर्सन फ्रॉम आसाम जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिले हो, और फिर टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता देश के लिए। है कोई बहाना आपके पास? दोस्तों, इरादे अगर बुलंद हो तो आप जहां पर भी हो, जैसे भी हो, सफलता हासिल कर सकते हो। और मीराबाई सानू टोक्यो ओलंपिक वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल विजेता, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी विजेता, कॉमनवेल्थ में कई मेडल जीते हैं, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिले हैं। दोस्तों, ये तो मीराबाई के मेहनत का फल है, पर क्या आपको पता है मीराबाई के मेहनत के बारे में? जिस माहौल में मीराबाई पले बड़े हैं, जहां से बिलोंग करते हैं, जो उनके फैमिली बैकग्राउंड है, वैसी सिचुएशन से शायद ही कोई इस मुकाम तक पहुंचे हो, जहां आज के तारीख में हर तरह की सुविधा मिलने के बावजूद हम एक्सक्यूज देते हैं कि सिफारिश नहीं है, रेफरेंस नहीं है, इसीलिए हमें चांस नहीं मिला। वहां मीराबाई के माँ के एक छोटे से चाय के दुकान थे। मीराबाई के गांव से शहर की दूरी करीब 30 किलोमीटर, रोज प्रैक्टिस के लिए जाना उनके परिवार के फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ नहीं करते थे। ऐसी सिचुएशन में भी हार नहीं माने मीराबाई। कहते हैं ना कि किसी चीज को अगर दिल से चाहोगी तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाते हैं। मीराबाई के साथ भी ऐसा ही हुआ। मीराबाई के माँ के चाय के दुकान में चाय पीने के लिए ट्रक्स रुकते थे, ढेर सारे ट्रक्स रुकते थे। ट्रक वालों के साथ उनके फैमिली का अच्छे रिलेशन है। यही ट्रक से शहर जाते थे, प्रैक्टिस करते थे और ट्रक से ही वापस आते थे। दोस्तों, इसीलिए ओलंपिक मेडल जीतने के बाद करीब 150 ट्रक ड्राइवर को मीराबाई इनवाइट करके गिफ्ट देते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी सुनने के बाद है कोई बहाना आपके पास? और सुनिए, 2018 में मीराबाई को एक बैक इंजरी हुआ था, जिसके कारण मीराबाई उम्मीद ही छोड़ दिए थे कि फिर से ट्रैक में वापस आ पाएंगे। वेट तो दूर की बात है, बार भी उठा नहीं पा रहे थे। वैसी सिचुएशन से कमबैक किया, कई नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते हैं और फिर टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल। दोस्तों, दुनिया बहाना से नहीं चलता, बहाना तो सिर्फ खुद को बेवकूफ बनाने के लिए। दोस्तों, एक और नाम सुशीला सानू, मणिपुर से ही है, टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली एक और महिला, इंडियन ओमेन हॉकी टीम के मेंबर, जूनियर ओमेन हॉकी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, जूनियर वर्ल्ड कप जर्मनी में मेडल भी हासिल किया। सुशीला ने करियर की शुरुआती दौर के बारे में खुद कहा है, उनके पापा किसान थे जिनके रोज की कमाई 250 से ज़्यादा नहीं थे, उनके माँ हाउसवाइफ, घर में और भी भाई बहनें हैं। ऐसी हालात में 11 साल की उम्र में ही सुशीला ने एक अनरियलिस्टिक सपना देखा, हॉकी एकेडमी ज्वाइन करने का। जो एकेडमी उनके घर से 80 किलोमीटर दूर है, उनके परिवार की कमाई इतना नहीं थे कि उस एकेडमी में प्रैक्टिस करने के लिए रोज ले जाए। हालांकि सुशीला के माँ एक फुटबॉल प्लेयर थे, उम्मीद नहीं छोड़े, उनके अंकल ने भी मदद किया, उस एकेडमी में पता किया कि हॉस्टल फ्री है, सिलेक्ट हो गए, रहने लगे। 80 किलोमीटर दूर रहते हुए भी साल में एक बार या दो बार ही घर में आते थे, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ही था ऐसे। आसपास के लोग उनके फैमिली को कहते थे कि यहाँ सुशीला की फ्यूचर खराब हो रहे हैं, और कुछ नहीं, फिर भी उनके माता पिता एनकरेज करते रहे। एक जुनून था, एक सपना था इंडिया के लिए खेलना, वो ब्लू जर्सी पहनना।
एक टूर्नामेंट की सिलेक्शन प्रोसेस की एक डॉक्यूमेंट के सुशीला के पापा के सिग्नेचर की जरूरत हुआ। वहां तक जाने के लिए उनके पापा की एक दिन की पूरी कमाई चली गए। इंडियन जूनियर टीम में सिलेक्ट हो गए। हिंदी बोलने में प्रॉब्लम था, टीममेट्स ने सिखाया। उसके बाद लास्ट ईयर चिली में एक सेमीफाइनल खेलने से एक दिन पहले उनको खबर मिलते हैं कि उनके पापा नहीं रहे, जो कि उनके लाइफ के हीरो था। अब हमेशा सुशीला के यही सोच है कि उनके पापा की नज़र उन पे है, वो देखना चाहते हैं कि देश के लिए विनिंग गोल स्कोर करते हुए। तो दोस्तों, इन तीनों की स्टोरी सुनने के बाद क्या लगता है आपके पास अभी भी कोई बहाना है? नहीं दोस्तों, बहाना तो सिर्फ और सिर्फ खुद को बेवकूफ़ बनाने के लिए और कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये थे एक छोटा सा वीडियो। वीडियो अगर अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप देख सके। आज बस इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।